गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल टू ऑल एंड माय फेस इज प्रॉपरली रिकॉग्निजेबल टू ऑल ऑफ यू। फाइन। सो लास्ट क्लास में हम लोग मैग्नेट के टॉपिक में थे, और आज के लिए क्वाइट सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया मैसेज करने में आप लोगों को, सॉरी। चलिए तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप रिकॉल करो लास्ट टॉपिक में हम लोग मैग्नेट देख रहे थे। फाइन। तो अगर मैं मैग्नेट की बात करूं, जी, तो मैग्नेट में अब तक हम लोग जो बेसिक प्रिंसिपल देख चुके थे, मैं उसमें वापस नहीं जा पाऊंगा। आप लास्ट क्लास में मैग्नेट पर कुछ बेसिक आइडिया लगा चुके थे, जिस पर से मैंने आपको समझा दिया था कि मैग्नेट में आप क्या-क्या चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट? मैग्नेट का बेसिक हिस्ट्री मैं आपको बता चुका था, राइट? अब मैं जिस बात को करने जा रहा था, मैंने आपको बताया था कि लाप्लास ने दो साइंटिस्ट बायोट एंड सेवार्ट को एक वर्क दिया था, राइट? स्टोरी याद है? भूल गए? जी। तो उस स्टोरी में मैंने आपको बताया था लाप्लास ने जो वर्क दिया वो ये वर्क था कि आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन है मैग्नेटिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ आई एंड आर। यहां तक मेरी बात हुई थी, राइट? ये दो टास्क दिए गए थे। अब इसमें से मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी करंट के साथ तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन बना रही है, बट आपने देखा था अगर B1 बड़ा है B2 से तो R1 छोटा था R2 से, मतलब डिस्टेंस के साथ इसका जो रिलेशन बन रहा है, क्या वो डिस्टेंस के साथ वाला रिलेशन अपोजिट बन रहा है, राइट? ये दो रिलेशन मैं आपको बता चुका था। अब देखिए, इन्होंने कहा, मैं बात चोरी वाली फिर से कर रहा हूं, एक्चुअल में जो गैलीलियो थे उनके कॉन्सेप्ट को न्यूटन ने कॉपी किया, ठीक इसी तरह न्यूटन के कॉन्सेप्ट को कुलाम ने कॉपी किया, और कुलाम की अभी तक कोई कॉपी वर्जन नहीं था, और कुलाम के फोर्स वाले लॉजिक प्रिंसिपल को अगर हम देखें तो वहां से ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रिंसिपल को भी कॉपी किया गया। कुलाम का जो प्रिंसिपल था उस प्रिंसिपल को लेकर बायो सावर्ट ने एक फार्मूला बनाया। देखिए कैसे इस फार्मूले को बनाया गया, मैं अब आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास, मैं थोड़ा सा रिलेट कर दूं आपको, बायोट को कहा गया कि अब आप एक मैग्नेटिक फील्ड पता करिए। क्या यहां तक लिख लिया सबने? बायोट सेवर्ट प्रिंसिपल पर है हम लोग, ठीक है। देखिए, यस सर। इनसे कहा गया कि आप सबसे पहले सबसे फर्स्ट, मैं ऐसा दिखा रहा हूं, देखेंगे आई होप प्रॉपरली विजिबल है। यहां पर मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए यहां करंट है, से दिस इज करंट, और आप किसी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आप पता करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो बायो सावर्ट ये बता रहे थे कि इसको पता करने का क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, यहां पर एक एक अपनी तरफ से सेक्शन लिया करंट एलिमेंट का, करंट के एलिमेंट का एक सेक्शन लिया, और इस करंट एलिमेंट के सेक्शन को जिस लेंथ तक लिया है वो है आइडियल, राइट? लास्ट क्लास आपको याद होगी, सभी लोग मुझको देखें, लास्ट क्लास अगर आपको रिकॉल है तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जी सर। ध्यान दीजिए,
लास्ट क्लास में मैंने करंट की डायरेक्शन पर आपको बताया था कैसे करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास फ्लोटिंग रूल लगता था, राइट? अब हमें आज क्या जी पता करना है कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी लगेगी, उस वैल्यू को पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इसके लिए बायो सावर्ट ने कहा कि आप सबसे पहले एक सबसे फर्स्ट आप एक करंट कोऑर्डिनेट ले लीजिए, वर्टिकल एक्सिस पर आपने करंट को रख लिया। अब इसके बाद मान लीजिए यहां कहीं हमारे पास कोई पॉइंट बी है, ये पॉइंट यहां 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 कहीं भी हो सकता है, राइट? इस पॉइंट पर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहां तक पर आर है, इस आर डिस्टेंस पर हम बातें पता कर रहे हैं, राइट? और इस आई पर एक मैंने स्मॉल सेगमेंट लिया है, इसे कह रहा हूं मैं आइडियल, राइट? ऐसा क्यों लिया, मैं भी इसकी बात करूंगा। इसके बाद मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल सपोज करिए अपने पास थीटा बन रहा है, राइट? और अब आपको यहां पर बायो सेवर्ट प्रिंसिपल लिखना है, तो पहले इसको बना लीजिए फिर स्टार्ट कर। फर्स्ट यू हैव टू ड्रा दिस। थोड़ा पेशेंस रखेंगे 5 मिनट का, 5 मिनट में चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैमरा अपना सभी लोग ऑन रखें स्टूडेंट्स, केवल स्क्रीन पर 3-4 लोग हैं। एक बार लास्ट क्लास की कोई कॉपी दिखाना मुझे स्क्रीन पर, कहां तक पढ़ाया था मैंने। आयुष कैमरे पर कॉपी का लास्ट पेज करना जरा। ठीक कॉपी का सबसे लास्ट पेज। लास्ट। अच्छा, इसमें मैंने ये बता दिया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था परमिटिविटी, और मैग्नेटिक सर फील्ड वाला डायरेक्ट प्रोपोर्शनल म्यू, है ना? जी जी ठीक है, वही जानना था। ठीक है उस कैरी ठीक ऑन। देखिए ये बना लिया सबने, अब फाइन। चलिए देखिए, अब यहां पर ये बात नोटिस करिए, अगर मैं कुलाम स्ला पर जाऊं तो क्या मान लीजिए कुलाम स्ला पर बायो सेवर्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कुलाम स्ला। इन्होंने किस लॉ से इसको कॉपी किया था? कुलाम से। अब जरा कुलाम पर देखो, ये कोई पॉइंट चार्ज है मान लो, राइट? और इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, और पॉइंट चार्ज भी जो आप ले रहे हैं, ध्यान दें उस पॉइंट चार्ज को स्मॉल पॉइंट चार्ज माना है, तो क्या स्मॉल वैल्यू के लिए मैं इसको DQ मान सकता हूं? और स्मॉल चार्ज को अगर मैं इस पॉइंट तक पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते समय इसको मैंने क्या मान लिया? D, स्मॉल वैल्यू के लिए। बोलिए, स्मॉल वैल्यू के लिए D वर्ड यूज किया जा सकता है? अच्छा याद करो, जो कूलाम्स लॉ आपने पढ़ा था क्या वो ये होता था? उसमें फोर्स की वैल्यू
फोर्स की वैल्यू आपने पढ़ी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R² वेक्टर फॉर्म में आपने इसको पढ़ा था, वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वेक्टर फॉर्म में, राइट, अपॉन में जब आप आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो यहां मैंने आपको बोला था, यहां पर वेक्टर आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आर क्यूब हो जाएगा। बोलिए, याद करिए वेक्टर फॉर्म में डिवाइड में आर क्यूब आता है या नहीं? आर कैप का मतलब वेक्टर आर अपॉन आर। अरे बोलो, कैप। तो क्या वेक्टर फॉर्म में इसका आंसर ये हो जाएगा? दिलीप, ये क्लियर है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R² की जगह ऊपर आर वेक्टर के साथ आर क्यूब, नीचे आयुष। जी अब बताओ एक चीज और याद करो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट, एक मिनट, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज है? बोलो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो क्या एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा? और मैंने यहां प्लस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर वर्क किया है, फाइन। जी इसका मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये निकल कर आएगा, मीन्स E इज इक्वल टू, और E भी क्यों लिखें, DE लिखें, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बताओ पॉइंट चार्ज के लिए ऊपर क्या लिखें, DQ upon R³ into vector R। बताओ इस फार्मूले में कहीं दिक्कत तो नहीं है, ऐसा होता था या नहीं? जी थोड़ा बहुत अगर 11th 12th पढ़ रखा है तो ये फार्मूला याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज। सर, बोलो, और अगर नहीं याद तो फिर ये याद होगा, फोर्स वाला, फोर्स जी का वेक्टर फॉर्म ये होता था। बोलो, और वेक्टर सर, फॉर्म में अगर चार्ज से डिवाइड कर दें तो एक चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ये DE के लिए DQ हो जाएगा। यहां तक अमरेंद्र क्लियर है? ये फार्मूला जानते हैं या नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का? यस ठीक है, लिख लीजिएगा सभी लोग, यहां तक लिख लें पहले साइड में इसको, फिर मैं कंपेयर करके बताता हूं।
हो गया कंप्लीट। अब देखो, यहां ये सोचो कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से इसको कंपेयर करना चाहूं, तो देखो क्या ऐसा भी लिख सकते हैं? देखना जरा, मैंने यहां आपसे कहा, ये मैंने पॉइंट चार्ज स्मॉल लिया था DQ। अगर मैं इसको समझाने के लिए, ये करंट अलोंग द दिस पता नहीं कहां तक है, तो ये मैंने एक स्मॉल सेक्शन ले लिया। स्मॉल सेक्शन का मतलब मैंने स्टूडेंट्स यहां पर इसको एज ए करंट का सेगमेंट ले लिया, करंट सेगमेंट। जनरल आप जानते हैं करंट एक स्केलर क्वांटिटी है नॉर्मल वे में, ठीक है। और अगर मैं इस करंट पर देखिए जरा, जनरल अगर मैं बात करूं तो करंट कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी। और अगर मैं इस स्केलर क्वांटिटी में एक लेंथ का गुणा कर दूं स्मॉल लेंथ का, डीएल का, तो क्या आई डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो जाएगा? क्योंकि इस फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में मैं ड्राइव करना चाहता हूं। बोलो, अगर किसी करंट की उसके लेंथ के साथ बता दें तो क्या पता नहीं चल जाएगी उसकी डायरेक्शन? नॉर्मल करंट बोले सर 5 एम्पियर, तो क्या पता है उसकी डायरेक्शन? नॉर्मल करंट अगर 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर की कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं। तो वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। लेकिन अगर स्केलर को उसकी लेंथ के साथ बताएं कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के कितने के साथ है, तो जो एक्सिस के साथ इंफॉर्मेशन होगी वो क्या कहलाएगी? बेटर वेक्टर। फाइन, यस सर, क्लियर है इतनी बात सभी को? यस अब एक मिनट मैं पिन कर लूं अपने आपको। हाँ, अब इसके बाद मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे आप देख रहे थे वहां ये वाला फार्मूला, ऐसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखना चाहें तो हमारे पास क्या क्या मदद मौजूद है? याद करिए यहां पर स्टूडेंट्स, क्या बी प्रोपोर्शनल म्यू है या अपोजिट? प्रोपोर्शनल क्या म्यू नॉट लिख सकते हैं इसको? प्रोपोर्शनल दूसरी बात बताओ, पॉइंट चार्ज जब हम लेते थे कूलाम्सला में, एक चार्ज का पूरा सर्किल कितना बनेगा? रेडियस होती थी आर। पूरा सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। अरे बोलो, एक सर। चार्ज अगर ऐसा माना जाए तो उसको 2 पाई, दो चार्ज वैल्यू जो होती थी उसके लिए 4 पाई। बोलो, तो फार्मूले में यहां अगर 4 पाई आता था तो क्या यहां मैग्नेटिक फील्ड में भी, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी 4 पाई आएगा? नहीं आएगा, आएगा राइट। दूसरा ये बताओ, क्या मैं ये बोलूं कि बी प्रोपोर्शनल यहां आई है, और अगर अब मैं इस बी प्रोपोर्शनल आई की जगह आई डीएल बोलूं तो क्या गलत होगा? सही होगा, सही सही होगा, राइट। तो ब्यू प्रोपोर्शनल आई डीएल हो गया, बी प्रोपोर्शनल म्यू नॉट हो गया। तीसरी बात ये बताइए, क्या बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है? यस। अब कंपेयर यस करके, जैसे डीई का फार्मूला था वेक्टर डी, इससे कंपेयर करके फार्मूले को लिखिए। टी क्यूब अपॉन आर क्यूब वेक्टर आर। अब मैं अगर इस फार्मूले को कंपेयर करूं तो बताओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, स्मॉल वैल्यू कितनी हो जाएगी? डीबी का वेक्टर बराबर, जी बताएं, 1/ε है यहां, एप्साइलन नॉट नीचे है, यहां कहां होगा? म्यू नॉट ऊपर। दिलीप, एप्साइलन नॉट नीचे है तो म्यू नॉट कहां होगा? पर ऊपर। उल्टा होता है, जी इसका मतलब आप कह सकते हो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बोलो, इसमें किसी को दिक्कत? यहां जैसा 4 पाई था वो वैसा ही लिख लिया, लेकिन एप्साइलन नॉट की जगह क्या हो जाएगा यहां? म्यू नॉट न्यूमरेटर में। अब डी क्यू की जगह क्या लिखें? यहां आइडियल है, वहां स्मॉल चार्ज था, यहां करंट का स्मॉल सेगमेंट है, राइट। वहां स्मॉल चार्ज था, यहां करंट का स्मॉल सेगमेंट है, तो करंट सेगमेंट को क्या माना है हमने? आइडियल।
क्या लिख रेडियो दें? आइडियल। आईटी दूसरा वेक्टर आर होगा, अपॉन में आर क्यूब होगा। अब आप जानते हो आइडियल कैसा ट्रीट हो रहा है एज ए वेक्टर। जी। और एक चीज और बताओ, क्या स्टूडेंट्स, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए बी साइन थीटा होता है क्या? यस जी सर। आप एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात, दो वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट करे कि यहां वेक्टर ही आए? क्रॉस दो वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट करें कि यहां वेक्टर आए? क्रॉस। इसलिए मुझे यहां क्रॉस पर क्या करना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये बन गया आपके पास बायो सेवर्ट का प्रिंसिपल, लिख डालिए। ये दिया था बायो सेवर्ट ने फार्मूला। बताओ क्या ये फार्मूला एज इट इज कॉपी नहीं है कूलम से? यस ये फार्मूला आपको याद नहीं करना है, घबराएंगे नहीं, ये मैं बता रहा हूं क्या आया था। आपको जो याद करना है वो भी थोड़ी देर में आएगा, ठीक है? बिल्कुल अभी घबराना नहीं फार्मूला देखकर। स्क्रीन थोड़ा नीचे स्लाइड कर दीजिए। अब ठीक है क्या? जी सर। ठीक है, लिखिए। तेरे जो कलर वाला ऊपर है वो हर जगह क्या ऊपर है? बीच में कलर वाला वो स्क्रीन में आगे आ जा रहा है, हर जगह उसको हटा दीजिए। नहीं हटाना चाहते? उसको रहने दो, वो टैब अगर हटा देंगे तो फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा बार बार। ठीक। हो गया कंप्लीट? यस फाइन। तो अगर कभी कोई बायो सावर्ट लॉ का फार्मूला पूछेगा तो उस फार्मूले को कैसे करना है जरा समझें। ये हमने किस फॉर्म में लिखा है, वेक्टर या मैग्नीट्यूड? वेक्टर। अच्छा एक चीज बताओ, दो वेक्टर का प्रोडक्ट साइन होता है कॉस होता है? क्रॉस में साइन होता है। साइन होता है। और मैंने आपको यहां इनके बीच का एंगल कितना दिखाया है? थीटा ठीक दिखाया है क्या? सर। इसका मतलब अगर आप इसको वेक्टर की जगह, मान लीजिए आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो अगर आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो मेरी बात को जरा समझिए। डीबी के वेक्टर को नॉर्मल डीबी लिख दें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हाँ, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? साइन थीटा। तो इसको यस क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, बोलो? आइडिया जी, इसको लिख सकते हैं आइडियल डीएल आर का साइन थीटा आर, एक मिनट, साइन सॉरी, थीटा इनटू साइन थीटा, यस अपॉन में क्या था, आर क्यूब। अब की इधर देखिए, ये समझ में आया कि वेक्टर आर किसमें आ गया? नॉर्मल आर में। यस और दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा। तो इसको एज इट इज ए को जी रख लिया, इसको बी को रख लिया, और इन दोनों के बीच का साइन थीटा। सर। बोलो
जी सर, इसका मतलब क्या, एक आर से, बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, एक आर से यहां एक आर कट जाएगा, तो क्या जी डीबी की वैल्यू बोली जा सकती है, डीबी इज म्यू नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, जी सर, बोलो यस क्लियर? जी सर, नो सर, यहां तक कोई इशू तो नहीं? नो और अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्या दो वेक्टर के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, अगर ये एंगल साइन 90 हो जाए, थीटा का मान मैक्स कब होगा? नब्बे अगर थीटा की वैल्यू 90 रख दें तो क्या मैं कह सकता हूं मुझे यहां मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी? एक काम करो, रुको रुको रुको, पहले एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, पहले यहां तक लिख लो फिर लिखवाता हूं लास्ट रिजल्ट, फिर दिखाता हूं जो आप लोग पढ़कर आए हो वही है या नहीं। हो गया कंप्लीट जी? अब देखिए, अगर मैं इसको इंटीग्रेट बोथ साइड कर दूं, राइट, अगर मैं इसको इंटीग्रेट बोथ साइड कर दूं तो क्या डीबी की जगह बी आ जाएगा? डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स ही तो होता है, आप अगर डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बी नहीं मिल जाएगा? और फिर देखिए, आप यह भी जानते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को एज इट इज बाहर ले सकते हैं, और ये जो आर स्क्वायर है क्या ये भी बाहर ले सकते हैं? अब इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, आइडियल साइन थीटा, जी बोलिए। सर, और यह बात जानने वाली है, साइन थीटा भी कांस्टेंट है यहां, क्यों? थीटा की कुछ वैल्यू होगी, तो अगर थीटा की वैल्यू 90 रख दें तो क्या थीटा मैक्स हो जाएगा? जी तो इस कौन सा बी का मान आ जाएगा, बी मैक्स। तो बताओ बी मैक्स की जी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत हो? जी बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ लिख डालो एक बार इसको। थोड़ा सा फार्मूला आपके लिए नया है बस। अच्छा, जिन लोगों को आर क्यूब वाली दिक्कत थी वो क्लियर है, आर स्क्वायर ही आएगा बाद में, सर, जब वेक्टर लिखोगे तब आएगा वेक्टर आर। हाँ, अब एक चीज सुनो, लिख लिया क्या इस? गया ठीक है, स्क्रीन क्या इशू आ रहा है, स्क्रीन सही तो चल रही है स्टूडेंट्स? चलिए ठीक सर, है, कोई दिक्कत हाँ, उसमें कोई इशू नहीं है। देखिए, इस बात को थोड़ा समझिए, आपने यहां पर, इधर देखिए सब लोग, आपने एक छोटा सेक्शन लिया यहां पर आइडियल का, तो करंट को यहीं तक क्यों देखा, करंट को पूरा देख लेते एक साथ। समझिए समझिए, आपने यहां से पहले यहां तक लिया, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, जहां तक करंट की वैल्यू चलेगी। तो स्टूडेंट्स, करंट अलोंग द लेंथ आप लेते चले गए, मान लीजिए, मान लीजिए
आप बिल्कुल संडे से लेकर थर्सडे तक की काउंटिंग करना चाहते हैं तो क्या इंटीग्रेशन करेंगे या नहीं? और अगर आपको यहां तक की छोटी वैल्यू पता है, क्या ये सभी वैल्यूज आपको जब पता चल जाएंगी तो कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी या नहीं? इसलिए एक छोटा सेक्शन लेकर हमने बाकी के वैल्यूज को कैसे निकाल लिया इंटीग्रेशन, और वो यहां से इसकी लिमिट रख देंगे यहां तक। इसका मतलब किसकी लिमिट रख देंगे? लेंथ की। वो लिमिट जब यहां इंटीग्रेशन में रख देंगे तो क्या वैल्यू नहीं सॉल्व हो जाएगी? बोलो, क्लियर? तो क्या हमें करंट का मैग्नीट्यूड अलोंग द सेक्शन पता नहीं चल जाएगा? फाइन, तो ये फार्मूला जो आया लास्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ आइडियल, ये स्टूपिड एक्टिविटी कौन कर रहा है? बीच बीच में फिर बात करना स्टार्ट कर दिया। देयर शुड नॉट बी एनी नॉनसेंस एक्टिविटी स्टूडेंट्स, अदरवाइज इमीडिएटली यू विल बी आउट फ्रॉम क्लास। सॉरी, ये बात क्लियर है क्या सबको? हाँ, अब मुझे ये बताओ, ये फार्मूला आइडियल क्लियर हुआ, इंटीग्रेशन क्यों लगा ये क्लियर है, डिवाइड में क्या आता है आर स्क्वायर ये भी क्लियर है, और बी मैक्स क्यों निकालते हैं हमेशा हम लोग, इस जितने एंगल बनेंगे बीच में, ये सब 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 वेरिएबल है, लेकिन 90 पर वैल्यू क्या आएगी? मैक्स। फाइन, अब मार्केट में आता है स्क्रू रूल, या तो पेचकस की हेल्प से हम लोग पेचकस को जब इन कराते हैं तो ये अंदर जाता है, मतलब क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं, एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो ये बाहर आता है। अरे बोलो, तो क्या यस आपने डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए स्क्रू रूल पढ़ा था? राइट, लेकिन ये कब पढ़ा था? 11th 12th में। डिप्लोमा में इसी रूल को बदल कर किस फॉर्म में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था? राइट हैंड। राइट, स्क्रू रूल काफी ओल्डर रूल हो गया, क्योंकि तो बार बार इमेजिन करना कि क्लॉक चल रहे हैं कि एंटी क्लॉक, उससे अच्छा क्या है? हैंड रूल। राइट, तो आप किस में चले गए? कर्ल रूल पर। लेकिन ये बताना जरूरी है कि स्क्रू रूल पहले आया था, पहले मार्केट में कौन सा रूल आया था स्क्रू रूल, बाद में कौन सा रूल आ गया? राइट हैंड कर्ल। तो अब ये बताओ, क्या मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई स्टूडेंट्स? अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों पता चल जाए तो सबसे बेस्ट है, तो क्या मुझे अब इसकी डायरेक्शन भी पता करनी पड़ेगी या नहीं? तो बायो सावर्ट ने क्या कूलाम्ब लॉ की मदद से, देखो वहां एप्साइलन डिवाइड में आता था, यहां म्यू नॉट न्यूमरेटर में, वहां 4 पाई जो आता था यहां भी आता है, और क्या डिवाइड बाई आर स्क्वायर है? यस, और एक करंट का सेक्शन हो गया। बोलो, वहां चार्ज होता था, यहां करंट आ गया। जी सर, क्लियर है सबको? जी ठीक है, अब सर, देखिए नीचे लिखिए, वी कैन, नीचे एक लाइन ऐड करिए, वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड कर्ल रूल। राइट हैंड कर्ल रूल, आर राइट हैंड थंब रूल। अभी थंब भी समझ लो इसको, कर्ल बाद में यूज करते हैं। देखो, मान लो ये करंट है और आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, से दिस इज डिस्टेंस इज आर, इस पार्ट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू आप निकाल लोगे? फॉर्मूले से आ जाएगी। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर देखो, इधर इधर इधर, अगर आप इधर देखो,
करंट वाले में अपनी फिंगर रखो, करंट वाले में फिंगर, जब करंट वाले में फिंगर रखोगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलोगे ऐसे, कर्ल कर्ल कर्ली हेयर रिंग वाले, राइट? तो कर्ली के लिए क्या होना चाहिए, ये चारों उंगलियां मुड़नी चाहिए, अंगूठा ऐसे ही रखो, तो करंट वाली लाइन पर इन फिंगर को रखो और जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस तरफ घुमा दो, जब घुमाओगे तो अंगूठा नीचे की तरफ जाएगा, इसका मतलब जब यहां से यहां ऐसे घुमाओगे, यहां से यहां, तो आपका अंगूठा इन हो रहा है या आउट हो रहा है, अपनी कॉपी में करके देखो, आई से बी की तरफ जब जाओगे आयोस, जी सर आप घूमेगा या ऐसे, जी, अंगूठा कैसा जाएगा अंदर, इसका इनके मतलब क्या मैं कह सकता हूं इस साइड मेरे पास क्रॉस बनेगा, और क्रॉस का मतलब नॉर्मल इनवर्ड है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। अब मान लो मुझे यहां पता करना होता इस साइड, एक मिनट, मान लो मुझे इस जगह पता करना होता इस समय, इस पॉइंट पर, यहां भी मान लो कोई डिस्टेंस आ रहा, अगर इस साइड पता करना होता, इधर देखो इस साइड, तो अब फिंगर को फिर से करंट पर रखिए और ऐसे घुमाइए, अंगूठा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर इस बार जब रखोगे ऐसे घूमेगा, और जब ये जी ऐसे घूमेगा तो अंगूठा थंब अपवर्ड है या डाउनवर्ड? अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड जी। अगर ये अपवर्ड है तो बताइए यहां क्या बनना चाहिए, डॉट, नहीं सर। इसे कहते हैं नॉर्मल आउटवर्ड, फिर एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप डॉट से फ्लक्स लाइंस की बात करेंगे तो हमेशा डॉट से क्रॉस पर फ्लक्स लाइन जाती हैं, बाहर से डॉट से क्रॉस पर फ्लक्स लाइन जाती हैं, डॉट से क्रॉस पर फ्लक्स लाइन जाती हैं, डॉट से क्रॉस पर फ्लक्स लाइन जाती हैं, अरे बोलो, जी तो क्या डॉट महोदय, क्या डॉट हमारे लिए नॉर्थ जैसा होगा या नहीं? यस जी इसी तरह क्रॉस यहां साउथ जैसा होगा या नहीं? जी सर अरे बोलो, यहां मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब बात करेंगे तो ऐसा चुंबकत्व तो दिखाई देगा या नहीं? होगा तो क्या बायो सेवर्ट लॉ से मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, और फ्लेमिंग के राइट हैंड कर्ल रूल से, राइट हैंड थंब डायरेक्ट रूल से क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, फ्लक्स लाइंस कहां से बाहर जाएंगी और कहां से अंदर आएंगी, डॉट से हमेशा बाहर निकलती है और क्रॉस से हमेशा अंदर, बोलो सर जी, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं, जी आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ जी टिंकू जी, आप कहाँ हो टिंकू राज राव, आईआरटी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल लगा के रिकॉर्डिंग गोल हो ही नहीं क्लास में, चला दिया लैपटॉप या मोबाइल, अच्छा आ गए, अच्छा प्रेजेंट, ओके थैंक यू। जी क्लियर है क्या ये सबको? बोलो, अरे डॉट क्रॉस समझ में आया या नहीं? आया अच्छा यस सर। एक बात ये बताइए,
ये अपन बोल तो रहे हैं, लेकिन माइंड में इमेजिन करके बताओ मुझे, क्या कभी ये फ्लक्स लाइंस ऐसी होंगी कि आधी अधूरी? ये जो फ्लक्स लाइंस होंगी स्टूडेंट्स, ये तो ऐसी होंगी ना, फ्लक्स लाइन तो देखिए, फ्लक्स लाइन इधर देखिए, अगर ये कोई नॉर्थ है ये कोई साउथ है, तो नॉर्थ से अगर निकली है साउथ पर गई तो यहां रुक थोड़ी ना जाएगी, ये ऐसे अंदर जाएगी। तो हमेशा फ्लक्स लाइंस कैसा कर्व बनाती है, क्लोज कर्व ओपन कर्व? क्लोज हाँ, तो क्या मैंने आधा बनाया है यहाँ? यस, मैंने इसका मतलब क्या गलती की है, मैं केवल और केवल बाहर वाले को दिखा रहा हूं, एक्चुअल में अंदर भी तो, यहां पर अंदर भी तो फ्लक्स लाइन जाएगी, बोलो हाँ या ना, राइट? अब सुनना जी काम की बात, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लक्स लाइंस किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन चलती हैं, तो याद रखिए, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। क्लियर है? जी फिर वॉइस चालू मानोगे नहीं? चलिए, आप बताइए, फाइन, अब ये बताइए, क्या यहां पर ये बात क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज 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 एक क्लोज कर्व बनाती हैं या नहीं? तो ये जो क्लोज कर्व लाइन है, ये नॉर्थ से साउथ जाएगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो नॉर्थ से साउथ जा रही है, आपस में कोई फ्लक्स लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती। ये अगर यहां गई तो अगली यहां से नहीं जाएगी, अगली यहां से कहीं जाएगी, ये यहां से गई तो अगली यहां से जाएगी। अरे बोलो, तो फ्लक्स लाइंस आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आगे चलकर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? अभी सिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। अभी पहले बताओ, यहां तक मेरी बात सबको समझ में आई? एक्सेप्टेड? जी, यहां तक लिख लीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर लिख लिया हो तो फिर मैं अभी आगे बढ़ जाऊं। चलिए, अब देखो नेक्स्ट वाला। मान लीजिए यही बात, यही राइट हैंड कर्ल रूल, अगर मैं कभी आपसे कहता हूं कि आप करंट कैरिंग लूप में लगाइए, फॉर करंट कैरिंग लूप, किस पर लगाना है आपको? करंट कैरिंग लूप पर। कर्ल रूल फॉर करंट कैरिंग लूप। तो मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, एक आपके पास ये करंट कैरिंग लूप है, राइट? और इस लूप में जो डायरेक्शन आपको मेंशन है से वो दिस है करंट की। आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, करंट कैरिंग लूप ये है, बदल दिया कलर, लीजिए ये करंट कैरिंग लूप है, तो करंट कैरिंग लूप क्लोज होगा, फाइन।
अब इसमें करंट इस दिशा में, तो आप अपनी कर्ल फिंगर ऐसे रखिए, ऐसे मोड़ते हुए अंगूठा देखिए कैसे आ रहा है, ऊपर आ रहा है अंदर आ रहा है। मैंने इस समय ये डायरेक्शन ऐसे रखी है एंटी क्लॉक, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो मुझे लग रहा है ये बात सबको क्लियर हो रही है कि थंब अपवर्ड आ रहा है। अगर थंब अपवर्ड है तो बताओ ये मेरे पास इधर 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 ये करंट की दिशा है, अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो बताइए स्टूडेंट्स मेरे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस साइड नॉर्थ बनता है, उसके अपोजिट साइड साउथ बनता है। तो क्या ये मैंने काल्पनिक जो खींच रखी थी लाइन उस पर पोल दिखा पाओगे या नहीं? राइट, तो ये काल्पनिक पर नॉर्थ हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा साउथ। अच्छा सेंटर से क्यों खींचते लगाया, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सेंटर से ये इसलिए खींचा, देखना 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 क्या मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले में बटे में आर, बताइए आर से इसकी दूरी क्या होगी, सेंटर से इसकी दूरी 0 होगी या नहीं? और किसी फार्मूले पर अगर समथिंग अपॉन 0 बन जाए तो क्या इन्फाइनाइट बनता है या नहीं? किसी फार्मूले में डिवाइड बाई 0 बन जाए तो वैल्यू इन्फाइनाइट बनेगी या नहीं? तो क्या ये लाइन मैं यहां दिखा सकता हूं या नहीं कि ये अनंत की तरफ कहीं जा रही है? राइट, होता नहीं है, होता फाइनाइट है, मुड़ेगा, लेकिन क्या सेंटर वैल्यू पर ये बहुत दूर जा रही है या नहीं? अगर इस वैल्यू को और आसपास देखना चाहते हो तो एक काम करिए, पूछा है तो जानो, मान लीजिए आप यहां या यहां या यहां देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, इसी तरह यहां भी डॉट लगा लीजिए। अब बताइए इधर देखो सब लोग, फील्ड की डायरेक्शन कैसी है स्टूडेंट्स? ऐसे है ये अपवर्ड, तो बताओ क्या यहां यहां यहां, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस, क्या ये अपवर्ड ऐसे जाएगा या नहीं? और ये नीचे से नीचे से नीचे से ऐसे आएगा या नहीं? इसी तरह ये वाली फ्लक्स लाइंस ऊपर को ऐसे जाएंगी या नहीं और नीचे से ऐसे आएंगी या नहीं? तो बताओ आप, बताओ आप, जहां आती हैं, राइट, क्या समझ पा रहे हैं सब? जहां से ये बाहर निकलती हैं ये सब नॉर्थ पोल बनाएंगे या नहीं? और जहां से ये अंदर आती हैं, अंदर आती हैं, क्या ये साउथ पोल बनाएगा या नहीं? ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होगा या नहीं? लेकिन क्या जब इस पॉइंट पर देखोगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि ये लाइन बिल्कुल इनफाइनाइट की ओर जा रही है? दिलीप खत्म हो गए होगे, चलो क्लियर हुआ, करंट कैरिंग लूप को समझ पा रहे हैं सभी? इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं? अमरेंद्र क्लियर है? ठीक है, इस तरह से आपको करना था। अब जरा समझिए, अब मैं कुछ बेसिक बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले अब ये जानना है कि हमारे पास यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं, क्लियर। अब अगर आपसे कोई बेसिक प्रॉपर्टीज पर ही क्वेश्चन फ्रेम कर ले, जैसे कुछ हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज को मैं आज आपको थोड़ा बता दूं।
बेसिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये है, जैसे मान लो मैंने कराया होगा, देखता हूँ कहाँ कराया है, बेसिक प्रॉपर्टीज पर कि मैग्नेटिक फील्ड्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। हाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, लिखिए, हेडिंग डालें। एक मिनट, ये समझ में आया सबको? ठीक है, तो यहां कैसे लगाना है, समझ में आ गया? करंट कैरिंग लूप में इसका उल्टा बनाता मैं, अगर मान लो ऐसे करंट बनाता तब ये ऐसे जाता, ठीक है, तब नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ क्लॉकवाइज में, क्लियर? चलो अब ये देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई इशू नहीं। सबसे फर्स्ट, दुनिया में कभी कोई सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप एक चुंबक को तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में तो भी उसमें दो पोल आएंगे, एक नॉर्थ तो दूसरा साउथ। अगर आप चुंबक को ऐसे ब्रेक करेंगे तो उसमें दो पोल आएंगे, बोलिए। अगर आपने चुंबक को तोड़ा तो अभी एक नॉर्थ तो दूसरा साउथ, नॉर्थ तो दूसरा साउथ, क्लियर? इसका मतलब क्या दुनिया में कभी कोई एक पोल का मैग्नेट आया, केवल नॉर्थ हो या केवल साउथ हो? फाइन, जीपी बाराबंकी, गौरव, डीपी नरैनी, UP 53, गोरखपुर। ये कैमरा बंद करके ऐसा कौन सा सुख मिल जाता है आप लोगों को कि हम दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया हमें नहीं देख रही? अमिताभ बच्चन हो आप लोग, शाहरुख खान हो, दो पैसे के नहीं हो, और क्या बोल रहे हैं ना। कैमरा ऑफ करके बैठ जाते हो, कल को लग रहा है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, नहीं आप लोगों से मिलने के लिए। सॉरी, देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर फर्स्ट पार्ट है, पहला, मैग्नेटिक मोनोपोल। मैग्नेटिक मोनोपोल, मोनो का मतलब सिंगल, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। दुनिया में कभी क्या एग्जिस्ट नहीं करता? मोनोपोल, मोनो का मतलब सिंगल पोल। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, एंड इसी में लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। क्लोज्ड लूप्स डायरेक्शन कैसे कैसे होती है? नॉर्थ टू साउथ, कहां पर? आउटसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर।
और मैग्नेट के अंदर कैसी होती है? साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड मैग्नेट। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए। जीपी 12 बंकी बिल्कुल प्रकट रहना, दिमाग का बिल्कुल मत लगाना। दीपक जीपी नारायण मुजफ्फरनगर, इधर अस्मित पटेल। अस्मित पटेल देखो लिख रहा है, यस सर मैं शाहरुख खान हूं। राइट। ₹50 भेज दिया जाएगा फिल्म सिटी। अच्छा ओके ओके ओके, याद आया। एक्ट्रेस थी अमीषा पटेल, उसके भाई का नाम था अस्मित पटेल, तो उससे कहीं अपने आप को ओके 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 है ना, इंस्पायर समझ लिया होगा। चलो सही है। देखिए हाँ, गदर 3। गुड। अरे दीपक आप कहाँ रिप्लाई करने लगे, उसी को बात करने दो। देखो यस सर ओके अस्मित कैरी ऑन, देखेंगे आपकी कोई मूवी अगर बनी। चलिए सॉरी। अब देखिए यहां पर फर्स्ट थिंग, मैग्नेटिक का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें कोई इशू नहीं। अंकित क्लियर है ये बात? जिंदगी में कभी कोई सिंगल पोल हो ही नहीं सकता, हमेशा क्या बनेंगे, टू पोल। दो नॉर्थ नहीं बन सकते, नॉर्थ एंड साउथ, साउथ है तो नॉर्थ है। क्लियर। अगला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा शेप बनाती है, क्लोज, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। क्या क्लियर है? टूपी मुजफ्फरनगर 12। देखो जरा, जैसे मान लो यह एक बार मैग्नेट है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करिए यह एक बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट में यहां नॉर्थ पोल है और यहां साउथ पोल है, तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर बाहर फ्लक्स लाइन जाएंगी? बोलो। ठीक इसी तरह अगर मैं राइट हैंड साइड बातें दिखा रहा हूं, तो ये सेम बातें लेफ्ट हैंड साइड भी लगेंगी। नॉर्थ टू साउथ, तो ये पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बाहर जो फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शन होगी, नॉर्थ से बाहर, नॉर्थ से बाहर साउथ पर अंदर आ रही होगी, लेकिन अंदर क्या होगी, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ, राइट? और ये सभी को क्लियर है ना, ये वाला नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ। फाइन। हाँ बीच में भी दिखा सकते हो डायरेक्शन, ऐसे दिखा दो।
मेनली जो दिखाया जाता है वो ये वाला दिखाया जाता है, दिस एंड दिस। हो गया, शॉर्ट फॉर्म में आप इसे इस तरह से दिखाते हैं। देखिए, नॉर्थ से फ्लक्स लाइन बाहर निकलेंगी और साउथ से फ्लक्स लाइन अंदर जाएंगी, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसा दिखा देते हैं, राइट? दोनों एक ही बात है, क्लियर? हो गया, चलो एक और बात इसमें क्या समझ सकते हैं, आराम से देख लो इसमें कहीं इश्यू तो बताओ। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हो गया कंप्लीट, चलिए। तो पहला इंपॉर्टेंट रूल, दुनिया में कभी भी मैग्नेटिक सिंगल पोल नहीं होगा, हमेशा मैग्नेटिक क्या होंगे, मोनोपोल, सॉरी डाइपोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज पाथ बनाएंगी, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें यहां तक? ओके, अच्छा यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसा नहीं था स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हिले हुए हैं, इसलिए बात बोलनी पड़ जाती है। जैसे वहां प्लस क्यू से माइनस क्यू दो चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती थी, प्लस क्यू से माइनस क्यू पर जाएंगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू पर जाएंगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू पर जाएंगी, लेकिन ये कभी रिटर्न क्लोज कर्व नहीं बनाती थी। तो याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिस टू दिस, 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 केवल ऐसी होती थी, तो ये एक स्फेरिकल जैसी दिखाई देती थी। क्या ये अंदर क्लोज कर्व बनाती थी? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या फर्क है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में दो चार्ज, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी और माइनस क्यू पर खत्म, प्लस क्यू से निकली माइनस क्यू पर खत्म, प्लस क्यू से निकली माइनस क्यू पर खत्म, प्लस क्यू से निकली माइनस क्यू पर खत्म, बोलो। लेकिन यहां क्या है, यहां नॉर्थ से जो फ्लक्स लाइन निकलेगी 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 निकलेगी, वो साउथ से अंदर जाकर फिर नॉर्थ पर टच करेगी, राइट? तो यहां क्या है, क्लोज कर्व। अरे बोलो दीपक, क्लियर है ये? जब कभी आपने क्लास 12वीं पास की थी, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी पढ़ाई करता था जब, हाँ तब की बात। राइट क्लियर है यहां तक? सेकंड लिखो नाउ। अगर सेकंड नंबर की बात करें, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्कूल वाली बातें नहीं कर रहा मैं दीपक, ना 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 ना, जब मैं छोटा बच्चा था, मतलब जब कभी आप वाकई में पढ़, मतलब दुनियादारी आपने नहीं देखी थी, तो आप सही थे, जहां थोड़े से बड़े हो गए बस, फिर कहां पढ़ाई लिखाई। चलिए सेकंड देखिए, द टेंजेंट
टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इसका क्या मतलब है देखिए इसका ये मतलब हुआ अगर मुझे कभी किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। देखिए इधर ध्यान से देखिए, मान लीजिए आप इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं। देखिए इधर, क्या यहां से यहां से यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है? इसी पर एक टेंजेंट ड्रा करिए। जब आप इस पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, टेंजेंट मतलब वह रेखा जो इस पर छूती हुई जाएगी, वहां से आपको पता चलेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या समझ पाए? टेंजेंट ड्रा करिए, टेंजेंट मतलब होता है इस स्पर्शी रेखा जो इसे जस्ट स्पर्श करके चली जाए। बोलिए, टेंजेंट ड्रा करके इस पॉइंट पर अब मैग्नेटिक फील्ड पता की जा सकती है बाय द कंडीशन ऑफ एंगल। एम बराबर टेन थीटा होता है स्लोप वाला, वहां से। क्लियर? तो कभी कोई मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा यहां पूछे इस पॉइंट पर, ऐसे ड्रा कर लेना टेंजेंट। अगर कोई पूछे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ड्रा कर लेना, अगर कोई पूछे इस पॉइंट पर तो ऐसे ड्रा कर लेना, अगर कोई पूछे इस पॉइंट पर तो ऐसे ड्रा कर लेना। अरे ड्रा कर लोगे नहीं कर लोगे? हाँ, तो ये रूल याद रखना, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पर बनने वाली जो नेट फील्ड होगी वो बता देगा वो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी का मतलब है क्लोजर द फील्ड लाइन, जितनी सघन होगी फील्ड लाइंस। लिखिए, क्लोजर द फील्ड लाइंस मतलब डेंसर, DENSER, डेंसर मीन सघन, डेंसर द फील्ड लाइंस, एक ही बात है, क्लोजर या डेंसर। देन स्ट्रॉन्ग इज द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इज द मैग्नेटिक फील्ड, वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इज द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इधर देखो, अगर आपसे कहा जाए हाँ, देखिए इधर, अब ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आपसे कहा गया यह रीजन वाई है और ये वाला रीजन एक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी और वाई पर कितनी होगी, तो कहां से फील्ड लाइंस ज्यादा पास पास हैं? एक्स वाले पॉइंट्स पर। इसका मतलब यहां की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी और यहां की मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। क्या दीपक मेरी बात समझ पाए? ऑब्जेक्टिव में ऐसे ग्राफ बनाकर पूछा गया था RVNL में, पूछा गया था बी एक्स इज मोर बी वाई इज मोर, कौन सा मोर है? बी एक्स इज मोर कंपेयर टू बी वाई, जितनी क्लोज होंगी पास पास, डेंसर का मतलब सघन, जितना आस पास सघन होगा उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स
इज ग्रेटर देन बी वाई सही है या गलत? तो सही है, क्लियर आयुष, लिख लीजिए। थर्ड के बाद फोर्थ, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी दिमाग में होनी चाहिए, छह की छह। फिर जाएंगे आप लोगों के सिस्टम पर, फिर अगर आपसे पूछा जाए आप लोग क्या हो, डाया पैरा या फेरो, डाया मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, क्या हो आप लोग? अभी ऑन करता हूं। हाँ जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अनम्यूट करके। फेरो कौन है फेरू? अरे रेज योर हैंड, कौन है फेरू? सब फेरू। आयुष क्या हो? अरे सर, अभी तो नहीं मालूम। बताओ तो सही। नहीं मालूम। हाँ जी, बाराबंकी, मॉडल अस्मित, यस सर, हाँ जी सत्यम। गूगल वूगल करने की जरूरत थोड़ी ना, आप गूगल करके देख रहे हो, बेकार, इसको गूगल करके देखें। हाँ क्या हो आप लोग? आप लोग हो डायामैग्नेटिक, कितना ही पढ़ा लो, परफेक्ट इंसुलेटर वाले। डायामैग्नेटिक में एक भी फ्लक्स लाइंस इंटरनली नहीं होती, होता ही नहीं ना, ना जो होता है वो माइनस में होता है। पैरामैग्नेटिक में थोड़ा बहुत प्लस होता है, और जिसने बोला फैरो हैं हम, फैरो से तो आपका दूर दूर तक वास्ता नहीं। तीनों टाइप के मटेरियल अभी आपको पढ़ाए जाएंगे, बैलेट सिस्टम है ना। नहीं आप लोग, वो लोग कहते हैं आप लोग बैलेट हो, घर वाले आप लोगों के जानते हैं राइट, अच्छी तरह से जानते हैं, बोलते नहीं है बस। उनसे कभी अकेले में पूछना कि हमारे सर ने बताया कि हम ऐसे हैं, क्या हम ऐसे हैं, बता देंगे आपको ये कौन है। यादव जी, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं होती, बस यही सब करने के लिए बने हुए हो, हृदय और पत्थर और फलाना और ढिकाना, इससे ऊपर कभी मत जाना। चलिए सॉरी, फोर्थ। और देखो अब बता रहे हैं हृदय और पत्थर कहानी। फोर्थ लिखिए, टू लाइंस इंपॉर्टेंट है ये भी, TWO, टू लाइंस या टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसा प्रॉपर लिखो, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर राइट, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखिए इसका क्या मतलब है, या एक लाइन और लिख लो इसमें, इफ दे इंटरसेक्ट इफ दे, हिंदी में इसका मतलब बताता हूं, इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स। देयर विल बी टू, दो टेंजेंट्स, देयर विल बी टू टेंजेंट्स विच कैन नॉट पॉसिबल। दो मैग्नेटिक फील्ड एक ही पॉइंट पर बनी नहीं सकती, विच कैन नॉट पॉसिबल। ये लिख लो एक बार, फिर बताता हूं। देखो इधर, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और आपने कहा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक मिनट सॉरी, ये जो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर अगर ऐसा दिखा दूं और क्लियर हो जाएगा। मान लो ये इस डायरेक्शन में दिखाऊं ना, थोड़ा सा और बेटर समझ में आए। ऐसे अब इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर मैंने आपसे कहा, समझना जरा, ये एक पॉइंट है राइट, और इस पॉइंट पर पीछे से एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही है, और ये दोनों मैंने आपसे कहा इंटरसेक्ट कर गए, ठीक है। अगर दोनों इंटरसेक्ट कर गए तो बताओ, अगर स्टूडेंट्स मैं इस वाली लाइन को देखूं, तो इस वाली लाइन पर जब मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा तो मुझे टेंजेंट इस तरह से दिखाई देगा जी सर, राइट, और जब मैं इस वाले पर टेंजेंट लाइन ड्रा करूंगा तो क्या इस पर जो टेंजेंट दिखाई देगा वो इस तरह से दिखाई देगा? बोलो, जी तो सर, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हो? एक पॉइंट था, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से आई और एक यहां से आई, तो एक का स्लोप नीचे की तरफ बना और एक का स्लोप ऊपर की तरफ बना, तो क्या एक ही पॉइंट की दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हो सकती हैं क्या? एक ही बने, क्या ऐसे बेसिक को फेल कर दिया? दुनिया में कभी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी कटान बिंदु नहीं देती, इंटरसेक्शन नहीं, ऐसे निकलेगी अलग 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 राइट, आपस में कट पॉइंट नहीं बनाती। यदि आपस में इन्होंने कट पॉइंट बना दिया तो कट पॉइंट पर, इंटरसेक्शन मतलब कटान बिंदु पर, दो टेंजेंट बनेंगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। क्या समझ पाए क्या अमरेंद्र? राइट जी सर, देख लो पूरे, है ना, जी सर, 32 के 32 पूरे, पूरी जमाई लेते हो नहीं? आयुष खुश होने की जरूरत नहीं है, कमजोर कोई नहीं है। अब वो दोपहर को जग गया होगा, आप सो लिए होगे, बस इतना ही फर्क है, मैं बता रहा हूं। बाकी कमजोर कोई किसी से नहीं। पतंग उड़ा जा क्या क्या रहा था, पतंग उड़ा जा रहा था। पतंग उड़ा रहे थे? वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आज। और कुछ उसमें पतंग में कुछ विश्लेषण बचा? नहीं बस उड़ाया, बस सर, पीच पीच काटे। जी अच्छा सर, अब मैं कुछ पूछने वाला था, छोड़ दो। दीपक क्या लगता है इन्होंने पतंग उड़ा पाए होंगे? सर दूसरे के छत पे गिरा रहा था पतंग, लग अच्छा देखा है आपने? रहा है। हाँ लग रहा है सर, मुस्कुरा के पता चल रहा है। चलो ठीक है।
ऐसा नहीं है, उड़ाया होगा। चलो हो गया कंप्लीट, फाइन, ठीक है स्मिथ, ठीक है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखो, एक बात और मान लीजिए, आप है ही बैलेट, तो कितना भी फील्ड लाइन लगाई जाए, फ्लक्स लाइन आपसे कम क्रॉस करेंगी। अरे बोलो। और थोड़ा बहुत अगर आप ऐसे नहीं, ऐसे दूसरा एग्जांपल लो, आपको लाख बहुत अच्छा टीचर पढ़ा ले, अच्छे टीचर के साथ, अच्छे टीचर का मतलब तो है बाहर से लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो आप पर खुद की आपकी इंटेंसिटी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसा सोच रहे हैं। अगर आपके अंदर वो सेंस पावर है कि नहीं मेरे को ये चीज करनी है, मैं कर पाऊंगा, मैंने आप 5 पॉइंट बताए और 5 में से 5 पॉइंट को आपने पांचों को कैरी कर लिया और उसमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर वो काबिलियत थी कि आप वहां तक पहुंचना चाह रहे, राइट। तो केवल सफल टीचर आपको सफल बना दे ये नहीं है, टीचर के साथ साथ स्टूडेंट का भी गुड होना जरूरी है। तो ये दोनों बातें अगर क्लब हो जाएं तो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है। तो जितना अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा वो टीचर की सारी बातों को अंदर ले लेगा, और जो जितना बैलेट होगा कह देगा आ, लेना ही नहीं, जा। टीचर के सामने कहेगा आ और फिर कहेगा जा, राइट। अस्मित समझ गए? हाँ, तो इसका मतलब लिखिए इसमें, स्ट्रॉन्ग, ये कौन सा था, चौथा, पांचवा लिखिए, स्ट्रॉन्ग, इंपॉर्टेंट है ये, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सब्सटेंस, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सब्सटेंस, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक फेरोमैग्नेटिक, लाइक फेरोमैग्नेटिक इज हैविंग मोर पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होगी? अच्छी होगी, मोर पोल स्ट्रेंथ, सो मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी पास, राइट। इसका मतलब क्या है? अगर कोई स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उससे ज्यादा फ्लक्स लाइंस पास होंगी, राइट। अगर पैरामैग्नेटिक है तो कम, डायामैग्नेटिक है तो और कम। गौरव क्लियर हुआ? जीपी 12 मंकी, जितना मैग्नेटिक सब्सटेंस मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, जितना उसके अंदर की क्षमता अच्छी होगी, वो उतनी ज्यादा फ्लक्स लाइंस को अपने अंदर से पास करा सकता है। मुजफ्फरनगर, राइट, यस सर। ओके। टाउन पॉलिटेक्निक क्लियर है? सॉरी, बलिया जी। अब लास्ट प्रॉपर्टी, अब मान लो किसी रीजन में, ये समझ गए सब लोग या मैं इसको अलग अलग डिफाइन करूं? डाया पैरा, अभी डाया पैरा फैरो अलग टॉपिक है, उसको पढ़ाऊंगा वहां पर, ठीक है? इतना समझ गए ना यस सर। जी। लास्ट प्रॉपर्टी है 6 नंबर, इसका मतलब है अगर मान लो कोई स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब सीधा, स्ट्रेट हो और पैरेलल हो, स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस, इक्वी मतलब बराबर, डिस्टेंट मतलब दूरी, इक्वी डिस्टेंट फील्ड लाइंस
रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या रिप्रेजेंट करती है देखो जरा। जैसे मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, नेक्स्ट यहां है, अगली फिर यहां है, और नेक्स्ट फिर यहां है। अब आप बताओ अगर ये सब सेम डायरेक्शन में और सबकी स्टूडेंट्स आपस में दूरी कितनी है, बराबर, तो बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहां एक्स की मैग्नेटिक फील्ड या वाई की या जेड की बताइए, तो बताइए तीनों की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, एक्स वाई जेड, क्या बराबर होगी या अलग अलग? बराबर तीनों होगी। होगी तो आप इसको क्या बोल सकते, सर। इसको बोल सकते हैं चलिए बी एक्स बराबर बी वाई बराबर बी जेड, बीजेड राइट? अगर ऐसा पूछ लिया जाए तब, एक बार इसको लिख लीजिए। ठीक है, यहां तक हो गया सभी का? यस फाइन, सर। ठीक है। इसके आगे फिर कल मॉर्निंग में करेंगे। मॉर्निंग में कितने बजे फ्री है? मतलब ले सकता हूं मैं क्लास कल? कल केवल मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम लेना था। मुजफ्फरनगर आप बताना, मुजफ्फरनगर आपसे ही पूछ रहा हूं। तो 10:30 बजे के बाद ले लीजिए कभी 10:30, भी। बाकी लोग कल, केवल केवल कल, बाकी इवनिंग में ही रहेगी। 10:30 पर सभी तो एग्री हैं क्या? इनकी एक्चुअली क्लास रहती है इसलिए मैंने पूछा था इनसे। ठीक है, ठीक है, डन। कल 10:30 पर क्लास होगी मॉर्निंग पर, ठीक है? अनुराग सर की क्लास होगी। अनुराग सर भी 2-3 दिन नहीं है, मैं ही लूंगा क्लास, ठीक ठीक है? उनका मान के है चलो आप थर्सडे या फ्राइडे तक वो आ पाएंगे, है नहीं वो अभी पर, तो मैं ही लूंगा क्लास, ठीक है? कल के बाद मेरे पास टाइम बढ़ जाएगा कल, लेकिन अभी मैं 10:30 पर लूंगा, ठीक है? सर ओके, 11 बजे अब कर दे दो, 11 बजे कर दो सर, 11 ऐसा कुछ एक बार बोल दिया आप, बच्चों को खिलाए हैं कर क्या क्या? दो, 11 कर दो सर, 11 अब देखेंगे, मैसेज आएगा, अब समझ लेना 10:30 मैंने बोल दिया अब, चलो ठीक है ठीक सर। है? आपसे पूछकर हाँ बोला, ऐसे थोड़ी था, पूरी क्लास में सर किसी वो से नहीं तो है। पूछा। हाँ ये देखो, अस्मित ने लिखा है, पूछ सर आप हमेशा हमसे रहे हैं, जरूर रहे हैं, टाइम तो आप ही डिसाइड करेंगे। देखो बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 2D होती है क्या 3D? यादव जी कौन है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रक्चर हमेशा 3D ही होता है, होती हम दिखाते 2D रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। यस सर, है? 3D होता हाँ, अब कॉपी है अपने पास, बोर्ड है तो अपने पास उसमें ऐसा ही दिखाएंगे। बाकी ये बताओ, जैसे ये कोई बार मैग्नेट है ऐसे, इधर देखो, तो क्या फील्ड लाइंस ऐसे से ऐसे बस निकलेंगी क्या? तो ऐसे भी निकलेंगी। अरे कहाँ हो यादव जी, कौन है? नाम देखो, यादव जी, अपने आप जी लगा दिया, राइट? हाँ फाइन, ठीक है, मैं क्लास स्टॉप कर रहा हूँ फिर, चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, यू ऑल कैन लीव द मीटिंग, गुड नाइट।